ये मांगे देख रहा था तो लगा कि इस पे चर्चा की जरूरत ही कहाँ है। खाद्य आपूर्ति सहकारिता, मैं नया हूं, पहली बार आया हूं। जब धीरे धीरे इन तमाम कट मोशंस को पढ़ा, तमाम बड़े भाइयों को सुना, तब लगा कि वाकई ये तो बहुत बड़ा इश्यू है खाद्य में आपूर्ति। जब पढ़ते हैं तो हाथ के बाल खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसमें उस वर्ग की बात हो रही है जिसके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, वो हमारे भाई हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर, वो जो लोग हैं जिनके पास जीवन यापन के लिए अनाज नहीं है, वो जो बीपीएल हमारे भाई हैं, उनकी बात है। तो मुझे लगा कि इस मौके पे मुझे बोलना चाहिए। मुझे जानकारी ज्यादा नहीं है, पर मैं माननीय मंत्री जी से ये निवेदन करूंगा, क्योंकि इसके अंदर एक जो मुख्य समस्या मुझे दिखी खाद्य एवं आपूर्ति की, कि साहब नई राशन की दुकानें खुलनी चाहिए। कई सारे हमारे ऐसे भाई हैं जिनका नाम उस लिस्ट में नहीं है, नाम हम कैसे जोड़ें? उस व्यक्ति तक, उस पंक्ति में आखिरी बैठे व्यक्ति तक अनाज कैसे पहुंचाएं ताकि वो अपना और अपने परिवार का जीवन यापन कर सके? इसके लिए आप काम करेंगे, आप संवेदनशील होकर काम करेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। राशन की दुकान आज से नहीं, हमेशा से देखते आ रहे हैं। मुझे आज भी वो वक्त याद है जब कोई छोटा सा जरीकन लेके केरोसिन लेने के लिए लोग आया करते थे। लाइटें तो अब आई है साहब, लाइट की तो डिमांड हम अब कर रहे हैं। वो दौर जब केरोसिन से दिया जलाया करते थे, उस दौर में भी सहकारिता और खाद्य आपूर्ति की बहुत बड़ी भूमिका हुआ करती थी। आपके पास संवेदनशील डिपार्टमेंट है और मुझे पूरा भरोसा है आने वाले समय में आप नई राशन की दुकानें खुलवाएंगे। वो तमाम लोग जिन्हें आज अनाज की जरूरत है, आप वहां तक अनाज पहुंचाएंगे। हमारे जो भी राशन के डीलर हैं उनकी भी कई सारी समस्याएं हैं, चाहे मानदेय को हो, चाहे तमाम भी दूसरी भी जो समस्याएं हैं। मेरा निवेदन रहेगा विशेषकर माननीय मंत्री जी से कि आप इस बारे में सोचें। साथ ही साथ बीच में कई बार अखबारों में पढ़ा करते थे साहब, मंत्री जी को दे दो, मंत्री जी को, जो गेहूं है, मंत्री जी को, जो अन्न आ रहा है मंत्री जी को, उसकी क्वालिटी, तो मुझे लगता है कि उसकी क्वालिटी पे काम करने की ज्यादा जरूरत है। जब शुद्ध अन्न होगा तो निश्चित रूप से हमारे वो भाई है वो स्वस्थ रह पाएंगे। मैं बात करूंगा माननीय मंत्री जी के डिपार्टमेंट सहकारिता की। सहकारिता मेरे लिए वाकई नया सब्जेक्ट है। अभी माननीय सलूमर से आने वाले हमारे सदस्य फरमा रहे थे, कई सारी चीजें बताई, हमें सीखने को मिला। मैंने पूछा कि माननीय जी आज सहकारिता पे इतनी चर्चा क्यों नहीं है, तो के साहब काफी लोग तो जानते भी नहीं, और वाकई मैं भी नहीं जानता था। वाकई जब सहकारिता को पढ़ा तब समझ में आया कि साहब ये हर किसान से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जमीनी स्तर तक जाने वाला ये डिपार्टमेंट है। मैंने इसके उद्देश्य पढ़े, मैंने कई सारी सहकारी समितियों के बारे में पढ़ा, हमारे बाड़मेर जैसलमेर का ये वार्षिक प्रतिवेदन मैंने पढ़ा। इसके जब उद्देश्य मैंने पढ़े तो सुपरमार्केट से लेके, जिम से लेके, गोदाम से लेके, तमाम चीजें जो किसान के रोजमर्रा की चीजें हैं वो इसके अंदर पाई जा रही है, आप वहां तक पहुंचा भी रहे। पर साहब वाकई क्या धरातल तक वो पहुंच पा रहा है? जो समितियां बनी हुई है क्या वाकई वो सही तरीके से काम कर रही है? जो व्यवस्थापक है क्या वाकई वो सही तरीके से उन चीजों को मेंटेन कर पा रहे हैं? मुझे लगता है कि इस विषय पे हमें सभी को, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी को सामूहिक रूप से काम करने की जरूरत है। साथ ही साथ अभी कई सारे मेरे जो भाई थे उन्होंने कहा कि हमारी एक मांग भी है, माननीय मंत्री जी के सामने रखिएगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सहकारिता विभाग में कार्यरत निरीक्षकों की पदोन्नति का जो अनुपात 70-30 का है, अतिरिक्त रजिस्ट्रार पदों पर किया जाए जैसा कि शिक्षा विभाग में किया जा रहा है। उनकी एक मांग है, वो भी मैं आपके सामने निवेदन करूंगा। और साथ ही साथ मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ये जो सहकारिता डिपार्टमेंट है इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग, श्री बाड़मेर जैसलमेर के बारे में कई सारी और भी चीजें हैं, कई सारी और घटनाएं हैं, मैं आपसे मिलके भी
आपका संरक्षण चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप मजबूती से कड़े एक्शन लें और ये जो डिपार्टमेंट है इसकी जो योजना है ये धरातल तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, राजेंद्र जी, माननीय सभापति जी। जय हिंद, जय भारत।